नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश में दो साल के बाद फिर से छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। प्रदेश भर में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 27 अगस्त को रिजल्ट आएगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 18 अगस्त को मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 20 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 22 अगस्त को उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 22 अगस्त को ही आपत्ति ली जाएगी। 23 अगस्त को फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। वहीं 26 अगस्त को वोटिंग की जाएगी। 27 अगस्त को काउंटिंग और रिजल्ट आएगा। गौरतलब है कि कोरोना के कारण पिछले दो साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे। राज्यपाल की ओर से गठित टास्क फोर्स ने भी छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का सुझाव दिया था। बता दें कि जयपुर, जोधपुर समेत प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में लाखों छात्र चुनाव से जुड़ते हैं। अकेले राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही 28,000 छात्र वोटर हैं। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि छात्र संघ चुनाव में हर बार छात्रों से जुड़े मुद्दे क्यों गायब हो जाते हैं, क्यों छात्र संघ चुनाव में हिंसा का माहौल बनता है और क्यों इन चुनावों में आधार आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हर बार छात्र संगठन और छात्र नेता स्टूडेंट से कई तरह के वादे करते हैं, लेकिन वो पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं, जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। तो आपको बता दें कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 26 अगस्त को वोटिंग होगी और 27 अगस्त को काउंटिंग और नतीजे आएंगे। लेकिन हर बार छात्र संघ चुनाव होने से पहले जिस तरह से बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद वो दावे, वो वादे कहाँ गायब हो जाते हैं, ये किसी को नहीं पता। छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद अब जोर शोर से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से छात्र संघ चुनाव में कई बार हिंसा भी देखने को मिलती है, ये छात्रों के मुद्दों के लिए ये चुनाव होता है, जहां पर छात्रों के मुद्दों को प्रशासन तक पहुंचाया जाता है, यूनिवर्सिटी के प्रशासन तक पहुंचाया जाता है, अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, या यूं कहें कि हर बार ये देखने को मिलता है कि ये छात्र संघ चुनाव में अक्सर ये हिंसात्मक हो जाता है। दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, मारपीट तक की स्थिति बन जाती है। तो क्या वाकई में छात्र संघ चुनाव में छात्र हित की बात होगी? क्या वाकई इस चुनाव में छात्रों की जो परेशानियां हैं, छात्रों के जो मुद्दे हैं, वो ऊपर तक पहुंचाया जाएगा? क्योंकि ऐसे में जिस तरह से कई सवाल भी यहां पर उठते हैं, उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज की हमारी ये बड़ी बहस आयोजित होगी, जिसमें तमाम सवालों के जवाब हम अपने मेहमानों से लेंगे। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में ये आती है कि क्या छात्रों की ओर से आचार संहिता का पालन किया जाएगा, क्योंकि कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ये चुनाव सिर्फ एक स्टेटस सिंबल के तौर पर भी लड़ा जाता है। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। राजेश चौधरी छात्र नेता है, एनएसयूआई के हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेन यादव जो कि अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार संघ के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीसरे मेहमान भी हमारे साथ बहुत जल्द ही जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बहस की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। राजेश चौधरी जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, करीब दो साल बाद ये चुनाव होने जा रहा है। कोरोना की वजह से नहीं हो रहा था। 26 अगस्त को वोटिंग होगी, 27 को नतीजे आएंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में हिंसा नहीं होगी? क्या इस बार के चुनाव में आचार संहिता का पालन किया जाएगा, जो अब तक नहीं हुआ है? राजेश जी, मैडम लगातार दो साल से कोरोना काल की वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे थे। मैडम देखिए कि अब
लगातार दो साल से छात्र संघ चुनाव कोरोना काल की वजह से नहीं हो पा रहे थे। छात्र अपनी तैयारियां लगातार कर रहे थे, छात्र हितों के जो भी मुद्दे थी, मांगे थी, वो लगातार अपने प्रदर्शन के तौर पे राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को वो अपना ज्ञापन देके अपने उन मुद्दों को वो मांगे पूरी कर रहे थे। और रही बात पालना की, तो लगभग सभी संगठन अपने हितों में वो दायरे में रहते हुए अपना चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी मिडिल क्लास ग्रामीण परिवेश से निकल के आए हुआ छात्र ही छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय में एक सपना देख के आता है कि मैं भी राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति की पहली सीढ़ी में मैं अपना कदम उठा सकूं और आगे बढ़ सकूं। लेकिन सर, ये तो फिर स्टेटस सिंबल बन जाता है ना। शुरू तो होता है ये कि हम छात्रों का मुद्दा उठाएंगे, हम राजनीति की पहली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, लेकिन अंत में हाल तो फिर वही हो जाता है ना, ये स्टेटस सिंबल के तौर पर बन जाता है। वो मुद्दे कहां जाते हैं जो चुनाव से पहले वादे दावे किए जाते हैं? मैडम देखो, जब जी मैम देखिए, एनएसयूआई संगठन ने हमेशा छात्र हितों के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हमेशा खरे उतरी है। चुनाव उन्होंने पहले भी उन मुद्दों को लेकर लड़ा है और आगे भी जब भी कोई छात्र प्रतिनिधि यदि बन के आता है या ना भी बना है, तब भी वो अपने छात्रों को लगातार उसने राजस्थान विश्वविद्यालय में जब तक वो है उसके छात्र हितों की मांगों को पूरा करने की कोशिश करता है। ये लगातार छात्र संगठन का हमेशा एनएसयूआई का हो रहा है। ठीक है उपेन यादव जी, यहाँ पर बात की जा रही है छात्र संघ चुनाव को लेकर, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठता है छात्र संघ चुनाव में, हिंसा का, आचार संहिता के उल्लंघन न करने का, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे कि क्या इन चीजों पर रोक किस तरह से लगानी चाहिए? क्या छात्र संघ चुनाव जिस चीजों को लेकर शुरू हुआ था, जिन उम्मीदों पर शुरू हुआ था, क्या ये वाकई उन उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, उन एक्सपेक्टेशंस पर ये जा रहा है? देखो, चुनाव में हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा मैम, पहली बार राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ इसमें प्रत्याशियों का पैनल उतार रहा, आज हमने ऐलान किया है। और क्यों उतार रहे, इसका भी मैं कारण बता दूं। हमेशा राजस्थान विश्वविद्यालय चुनाव में जाति, धर्म और पार्टीवाद पे चुनाव हुए हैं, लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए किसी ने नहीं सोचा। जब विद्यार्थी वहां अपने कोर्स वहां से करता है तो कम से कम उस समय रोजगार के अवसर, यानी कि पहला ये चुनाव होगा जो रोजगार के मुद्दों का चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि रोजगार का मुद्दा प्रमुख है पूरे देश और प्रदेश के लिए, प्रमुख रोजगार का मुद्दा है। इसलिए इस बार हम भी प्रत्याशी उतारे, क्योंकि मुद्दा ज्वलंत, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और राजनीतिक पार्टियों तक ये मुद्दा पूछे, युवाओं के जो उनके रोजगार, उनके भविष्य के लिए, तो हिंसा तो नहीं होनी चाहिए। मैं यही अपील करना चाहूंगा, शांतिपूर्ण के चुनाव हो। ठीक है सर, हिंसा नहीं होनी चाहिए, रोजगार का मुद्दा इस बार के चुनाव, छात्र संघ चुनाव में सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा। लेकिन आपको ये भी सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि अभी तक कई छात्रों के एडमिशन नहीं हुए हैं, कई छात्रों के, आधे से ज्यादा छात्रों के जो रिजल्ट हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, क्या ये छात्रों का मुद्दा नहीं है, ये नहीं उठना चाहिए? देखो मैम, हम पहली बार इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, हम छात्रों की हर समस्याओं के लिए लड़ेंगे। आपने देखा होगा, क्या ये मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? जी, क्या कह रहे हो, ये मुद्दा होगा इस बार के चुनाव का, जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है, जिन छात्रों से रिश्वत ली जा रही है उन्हें एडमिशन देने के नाम पर, या जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, तो क्या ये मुद्दा आप उठाएंगे इस बार के चुनाव में? मैम, आपको आपके माध्यम से इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। राजस्थान का, देश का सबसे बड़ा वो संगठन है जो युवाओं के लिए लड़ता है, जेल भी जाता है। और अब जो छात्र, जो विश्वविद्यालय जितने छात्र छात्राएं, उनकी हर, चाहे वो उन लड़कियों की सुरक्षा का मामला हो, चाहे आपने एडमिशन का मामला बताया, जो तमाम मामले होंगे उसके लिए धरातल पर लड़ाई लड़ेगा। उनके लिए चाहे अनशन करना पड़े, चाहे लाठियां खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। युवाओं को न्याय चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा रोजगार, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद रोजगार तो तब मिलेगा ना जब वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, रोजगार तो तब मिलेगा ना जब वो, उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। नहीं, एडमिशन की भी हम मांग उठाएंगे, उनकी समस्या के लिए भी हम लड़ेंगे, लेकिन एडमिशन के बाद जब वो यहाँ से बीए एमए जो करके चला जाएगा, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की आती है। जी, आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता नहीं थी, छात्र संघ अध्यक्ष उसके कर्तव्य की पालना करता है, अध्यक्ष बनने के बाद युवाओं के मुद्दे उठाते, सबसे बड़ा मुद्दा यह था। तो केवल इस चुनाव में प्रत्याशियों का पैनल उतारने का उद्देश्य हमारा यही है, क्योंकि रोजगार का बड़ा मुद्दा हो, जिसे राजनीतिक पार्टियों को एहसास हो कि युवा कितना दुखी और परेशान है, बीए एमए कर लेता लेकिन बाद में उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, बाद में वो भविष्य में क्या कर पाएगा, पढ़ाई करते करते उनके रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाए,
जो लड़कियों ठीक के है लिए सुरक्षा का राजेश जी, मामला है, क्या इस सीसीटीवी बार लगाने का छात्र मामला है, संघ चुनाव सारी में, सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल राजेश जी, क्या इस बार के छात्र संघ चुनाव में रोजगार का मुद्दा आपकी तरफ से भी उठाया जा रहा है, या वही रटे रटाए जो अब तक चलते आए हैं वही चीजें देखने को मिलेंगी? मैम देखिए, जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय में हर बार की तरह चुनाव हुआ करते थे, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो पाए। एनएसयूआई संगठन ने कोरोना काल में भी उन गरीबों की ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई, एम्बुलेंस की उनकी व्यवस्था कराई, जहाँ तक हो सके राजस्थान विश्वविद्यालय में बेरोजगारों पे जहाँ रोज बैठे हुए थे लोग, उनकी आवाज को उठाने का काम किया। अब ये विपिन जी कह रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तभी इनको याद आ रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में रोजगार की बात करी जाए। अरे भैया, वो बात तो बाद में की जाएगी। यहाँ तो राजस्थान विश्वविद्यालय में आप पढ़ने आ रहे हो, यहाँ कौन से रोजगार? रोजगार तो तब की बात करोगे जब आप यहाँ से करोगे। ये बात तो आप मोदी जी से बात करिए ना, छात्र संघों की बात अरे तो बिल्कुल भैया, रोजगार आप देंगे। मोदी जी से अशोक गहलोत युवा साहब पढ़ माननीय करके क्या मुख्यमंत्री जी करेगा, ने उसके तो भविष्य के हर लिए कुछ वादे पे सोचा खरे है क्या, उतरे हैं। वो जब भी उसके लिए सोचा है क्या? आप बेरोजगारी भत्ता देने की बात किसको रोक दिया? क्या आप तो बिना क्या कर पाओगे? बिना वो अरे बीजेपी कांग्रेस करते रहते विपिन हो, जी, बिना जाति पढ़े पाति आप चुनाव उसको का पहले चुनाव है, रोजगार दिला रोजगार दोगे क्या? रोजगार ही बिना पढ़े आप रोजगार के रोजगार दिला चुनाव दोगे होगा। क्या? आप युवाओं के जब रोजगार चुनाव आया तभी आपको ये संगठन बनाने की याद आई है क्या? जब भी आपको लड़ाई लड़ने संगठन की तो बात आई है बहुत पहले कि से लड़ा हुआ यूनिसिटी के है, अंदर पैनल पहले से तैयार बहुत किया पहले से जाए, बना हुआ है। आप उन मुद्दों में भी अच्छा, कह आप सकते इस हो चुके भाइयों के, अब आपकी कोई आप एडिशन कुछ नहीं हो पा मुद्दे रहा, भी है, उसमें मैं हेल्प करें। इस बार आप जाति पाती और आपको पार्टीवादी हेल्प चलेगा, करने की बजाय इस आप बार चुनाव युवा लड़ाने की लोटेगा, तैयारी करते हो, आप रोजगार एक एक राजनीति करके को बोले, एक उतरव एक दे करके रहे हो। बोले। ये उपेंद्र जी ने, राजस्थान आपके पास विश्वविद्यालय सामने में एक हर एक तरीके करके से बोले नई विपिन पार्टी जी, आती है, अपने अभी मुकाम तक चलाती आप है। लोगों को चुनौती नहीं नहीं, मिली थी, लेकिन लेकिन पहली बार राजेश जी, चुनौती अभी तक तो मिलेगी। आधे स्टूडेंट ग्रामीण को का अपनी चुनौती रिजल्ट लेके भी नहीं आते हो निकला है, जी, राजस्थान विश्वविद्यालय में भी हर बार कोई संकट। अभी तक तो आधे स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी नहीं मैम क्लियर हम किया गया है। सरकार से यही विनती करेंगे सबसे भी कि बड़ी अभी बात तक हमारे है, राजस्थान मैम विश्व, सही कह रहे हो, न एडमिशन हो पा रहे बिल्कुल हैं, मैम न इस चीज रिजल्ट को हम निकल पा समझ रहे रहे हैं, हैं कि वहां अभी के यूजी नेता की भी प्रमुख हो फर्स्ट चुके लिस्ट हैं, में आई है, वो कुछ अब नहीं कर उससे हम पा रहे, सरकार से भी वो निवेदन करेंगे चुनावी कि इसको माहौल में आ रहे हैं, राजस्थान लेकिन अब विश्वविद्यालय इसके राजस्थान का तमाम युवा महाविद्यालयों को एक एक बिना करके बोले किसी सर, दोष राजेश जी आरोप एक एक का करके प्रॉपर बोले, तरीके से मुझे जवाब खुद देना नहीं नहीं समझ आया में आ कि रहा है, जी वाले मुझे क्योंकि खुद अभी नहीं समझ में आ रहा है, दर्शक क्या एंट्रेंस समझेंगे? एग्जाम एक एक लगेंगे। करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले। जी राजेश जी, मैम आप सही कह रहे हो, साहब, ना ये एडमिशन हो पा विपिन रहे हैं, जी ना है, कुछ ये अभी परिणाम से जारी है हो कि पा रहे चुनाव हैं, के क्योंकि माहौल ये दिख रहे हैं, लापरवाही है अभी इनको विपिन मुद्दों जी। की मैं बात आऊंगी नहीं करना। आपके आप पास, बात करते हैं, मैं आपका भी जवाब सुनूंगी। राजेश जी को बोलने दीजिए, राजेश जी जी कंप्लीट करें आप, फिर मैं उपेंद्र जी से उनका जवाब लूं। जी मैम, अब हम दोनों ही चुप हो गए। जो लगातार जो छात्रों की जो एडमिशन जिस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं अभी, जी जी बोले। अभी क्या है कि यूजी वाले की भी हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी फर्स्ट लिस्ट भी आई नहीं है, और पीजी की हमारे एंट्रेंस एग्जाम भी स्टार्ट नहीं है। तो हम भी ये चाहते हैं सरकार से कि हमें थोड़ा सा इसमें छात्रहितों के सभी का प्रॉपर तरीके से एडमिशन हो सके, आई कार्ड उनको मिल सके, वो तभी वो चुनाव का वो समीकरण बना सके। तो उसके लिए हम भी खुद भी चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा कि सरकार इसको चुनाव को थोड़ा आगे डेट को बढ़ाने की कोशिश करे। डेट आगे बढ़ाने की कोशिश करें, डेट आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ये आपका जी स्टेटमेंट है राजेश जी? जी आप ये चाह रहे हैं सरकार से कि ये जो छात्र संघ चुनाव का जो डेट आया है, ये डेट जी आगे बढ़ाया जाए? चलिए उपेंद्र जी, जी मैम, राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ साथ में तमाम महाविद्यालयों में भी ये छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास वापस। उपेंद्र जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखो मैम, जो ये डेट बढ़ाने की बात करें, उनको ये कहना चाहिए था कि छात्रों को राहत मिले, समय पे उनका एडमिशन हो और उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए, ये मांग इनको उठानी चाहिए। अब कह रहे हैं कि हम लोग आवाज नहीं उठाते, हम पहली बार चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, हम युवाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो युवा परेशान है, दुखी है, जबकि जिम्मेदारी इनकी बनती थी, जो कई सालों से पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जब ये इन्होंने संगठन बना रखा है तब उनको राहत नहीं मिली, तो आज इनको राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ चुनौती देने आते, ये इनमें भोकलाट पैदा हो गई। तो विपिन अरे जी, हम लगातार राजनीति राजस्थान खंडन के विश्वविद्यालय आ में रहे, एनएसयूआई एक हम संगठन ऐसा युवाओं है जो कोरोना काल से को लेकर अब भविष्य तक को छात्रों बचाने के के लिए मुद्दों आ की आवाज रहे, बनाए रहे। हम लोग उनके मुद्दों को उजागर करने के लिए आ रहे हैं, हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारा तो जाति पाति धर्म नहीं चलता, या तो सभी युवा जुड़े हुए हैं जो अपने रोजगार अपने भविष्य के लिए या सपने देखते, तो हम सच के लिए आ रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं, उन बेटियों और बहनों को सुरक्षा दिलाने के लिए आ रहे हैं, समय पे एडमिशन हो, तमाम समस्याओं का निस्तारण हो, उसके लिए आ रहे हैं हम। तो यदि ठीक है आप लोग ये मजबूती से आवाज उठा पाते हैं, इनको न्याय दिला पाते हैं, ठीक
तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ को वहां पैनल उतारने की नौबत नहीं आती है, लेकिन आप लोग विफल हो चुके हैं, एक दूसरे मिले हो न उनकी आवाज मजबूती से उठा पा रहे हो, ऐसे में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ पैनल तले। अरे विपिन जी, आप राजस्थान विश्वविद्यालय में आप अभी तक आके चेहरा देखा नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई एक ऐसा संगठन है जिन्होंने लगातार छात्रों की आवाज को उनको आगे तक बढ़ाया है और उनके छात्र संघ के जो चुनाव आप मांग कर रहे थे वो आपको करना चाहिए। राजेश जी, एक बार आप सुन लीजिए उपेन जी को। जी जी जी, पूर्व प्रदेश महासचिव एनएसयूआई का रीड पेपर लीक में नाम आया, गिरफ्तार हुआ, वो चेहरा सबके सामने, ये मत बताइए कि आपने क्या किया, वो सबको पता है। लेकिन यहाँ युवाओं के भविष्य के लिए, उन छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए हम पहली बार मैदान में उतर रहे हैं और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, चुनौती भी देंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि उनका रोजगार, मैं हम बार बार कहूंगा कि रोजगार का पहला मुद्दा रहेगा। स्वागत है आपका, आप आइए राजस्थान विश्वविद्यालय में। बाकी आप इस तरीके से एनएसयूआई ने करा नहीं कुछ नहीं, एनएसयूआई ने छात्र हितों के हर मुद्दों पर आवाज उठाई है। आप लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय तमाम महाविद्यालयों के अंदर छात्र संगठन एनएसयूआई का छात्र मुद्दे पर तो आवाज उठाया, लेकिन जो हिंसा होती है, जो हिंसा होती है उसे रोकने के लिए कितना प्रयास किया आपने? जो हिंसाएं होती हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर, उसको रोकने के लिए क्या किया? संगठन एनएसयूआई संगठन ने हमेशा, मैं तमाम, हम तो लिंग दो कमेटी के आधार पर छात्र संघ चुनाव 2010 से लिंग दो कमेटी के आधार पर चुनाव हो रहे हैं ना, तो हमारे को इतना प्रसार प्रसार मिलता है। हम छात्र हितों के मुद्दों के लिए जवाब आवाज उठाते आए हैं और आगे भी छात्र हितों के लिए आवाज उठाएंगे। जी, छात्र हितों के लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन जो हिंसा होती है उसके लिए कुछ नहीं करेंगे? क्योंकि सर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपको याद हो तो 2005 में छात्र संघ चुनाव के दौरान इतना ज्यादा हुड़दंग हो गया था। सर एक बार बस मेरा आप सुन लीजिए, इतना ज्यादा हुड़दंग हुआ था साल 2005 में छात्र संघ चुनाव के दौरान कि हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी, उसके बाद हाईकोर्ट ने 2006 से चुनाव पर रोक लगा दिया था। हिंसा इतनी ज्यादा हो जाती है, इस हिंसा में तो फिर छात्र मुद्दा कहीं गायब ही हो जाता है। मैम आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, उसका जवाब देते हुए तो लिंग दो कमेटी के आधार पर 2010 में चुनाव स्टार्ट हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, या आपका मुद्दा, आप जो सवाल कर रहे हो बहुत अच्छा सवाल है। चाहे किसी का भी दल हो, चाहे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ हो, चाहे एनएसयूआई कोई भी हो, यदि हिंसा में सम्मिलित पाया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भविष्य में हिंसा नहीं फैले। क्योंकि शांतिपूर्वक चुनाव होनी चाहिए, युवाओं के भविष्य के लिए चुनाव होने चाहिए। जो लाइब्रेरी बना दी लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं है, उनका समय भरपूर नहीं दिया जा रहा है, वो अपनी पढ़ाई कर सके, अपना भविष्य बना सके, उसका समय कम कर दिया जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं के लिए इस बार हम मैदान में उतर कर युवाओं के लिए लड़ेंगे। ठीक है राजेश चौधरी जी, युवाओं के लिए लड़ने की बात की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं होती है, ये मुद्दा उपेन यादव जी ने उठाया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैम राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, इसमें छात्रों को ऐसी कोई भी समस्या नहीं हुई। जब भी उनके कोई ऐसी हुई है तो हमने छात्र संगठन ने उनके छात्रों की जो भी मांगे है हमने वाइस चांसलर को दी है और उसके पूर्ति करावे। नया लाइब्रेरियन है उसका भी जल्दी ओपन करा दी जाएगी, जो हमारे लगभग 2 साल से वो साल भर से तैयार होकर रखा हुआ है, वो कोरोना काल की वजह से किसी कारण वजह से नहीं हो पाई। 2 साल से तैयार होकर तैयार है, आप जल्दी ही ओपन करवाने की मांग रख रहे हैं, ओपन नहीं किया गया, ये खुद स्वीकार है एनएसयूआई के ये पदाधिकारी खुद स्वीकार है कि 2 साल से लाइब्रेरी को शुरू नहीं किया गया, ओपनिंग नहीं हो पाई है, खुद स्वीकार। क्या कहना चाहेंगे राजेश चौधरी जी आप? लाइब्रेरी बनती है, ओपन नहीं होती है जी, वो राजस्थान विश्वविद्यालय के उसमें फर्नीचर अवेलेबल नहीं हो पाया, बुक्स आ नहीं पाई, तो आप उसको लाइब्रेरी में बन चुके हैं, उसमें बुक्स भी आए हो, फर्नीचर भी उसमें अवेलेबल हो, तभी तो उसको ओपन कर पाएंगे। साल भर से एनएसयूआई संगठन उसमें लगा हुआ है और कुछ ही दिनों में उसको लाइब्रेरी को ओपन करा दी जाएगी। कुछ ही दिनों में मतलब कब तक? ये कुछ ही दिनों में, कुछ ही वक्त में करवा देंगे, हो जाएगा, ये तो सुनते ही आ रहे हैं ना सर। छात्र संघ के चुनाव से पहले मैम, छात्र संघ चुनाव से पहले हमारे वाइस चांसलर साहब से बात हुई है, उन्होंने टाइम डिसीजन क्या है कि उसका ओपनिंग का डेट 1-2 दिन में फिक्स करेंगे वो। अच्छा 1-2 दिन में फिक्स करेंगे चुनाव आगे, लेकिन 2-3 साल से तो आपने याद नहीं किया, जब ये मुद्दा याद नहीं आया, लाइब्रेरी याद नहीं आई, और आज चुनाव आगे तो लाइब्रेरी याद आ रही है। आखिरकार
चालू नहीं हो दो तीन सकती साल इस से समय आप पे, विपिन जी आप इतना समय उठा नहीं के देखिए, लगता। राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं, तमाम तमाम राजस्थान के ऐसे कोई विद्यालय नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट हो। छात्र अनिश्चय संगठन ने हमेशा छात्रों की आवाज उठाई है और उनकी हक की लड़ाई हमेशा उसको न्याय दिला के रुके। बिल्कुल बिल्कुल, आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, आवाज उठाई है, दो दो साल तक लाइब्रेरी की ओपनिंग नहीं हो पाई, ये आपकी आवाज उठाई है, शानदार आवाज है, बहुत अच्छी तरह आवाज उठाई, दो दो साल तक लाइब्रेरी की ओपनिंग नहीं करा पाई आप लोग, अब कह रहे विपिन हैं जी, कुछ जब कोई तारीख जब तक कोई लाइब्रेरी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हो, उसमें आप उसमें पढ़ाई करेंगे क्या आप, ये बताइए। प्रॉपर तरीके से विपिन जी तैयार जब नहीं तक हो प्रॉपर पाई, तरीके से क्यों कोई चीज प्रॉपर तैयार ही तरीके नहीं से होगी क्यों तो नहीं उसकी तैयार ओपनिंग हो कैसे पाई, होगी। प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं तैयार हो पाई, सवाल ये है प्रॉपर तरीके वो से क्यों नहीं तैयार राजस्थान हो पाई। वो मैम वाइस चांसलर साल सर यूनिवर्सिटी की कमी है, वो यूनिवर्सिटी कमी है। हमने उनको कई बार ज्ञापन दिया है, उसको लो खोलने की, उसको ओपन करने की हमने काफी कब्र कोशिश करी है। ठीक है उपेन यादव जी, यहां पर तो हवाला दिया जा रहा है कि 2 साल तक कोरोना था, इस वजह से नहीं हो पाया है, हम करवा देंगे, हम कर रहे हैं, चुनाव का वक्त आ गया है, डेट फाइनल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सारी चीजें हो रहा है, करवा देंगे, इन्हीं पर टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, आपके आपके ये हो रहा है करवा देंगे, इन वादों पर अब स्टूडेंट्स आपको वोट देंगे? देखो आप सही कह रहे हैं, युवाओं को यह समझना होगा कि मैम जो राजस्थान जुमलों में नहीं विश्वविद्यालय आए, के अंदर आप किसी कोई भी भी हो छात्र जुमलों से में आप नहीं आए, छात्र जो से जो कहे ग्रामीण परिवेश वो से करके आता है दिखाए। उसको वोटर को जोड़ने का काम एनएसए और संगठन ने अभी किया कैसे है। चुनाव आए अब तो कह रहे विपिन काम जी कर एक देंगे, नया संगठन तैयार करके राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी तक इन्होंने चेहरा भी नहीं देखा। राजस्थान विश्वविद्यालय है क्या ऐसा अंदर से, इनको पता है उपेन कि यादव कैसे जी, ये तरीके से सवाल लोग बार पाए बार जाते उठ हैं। रहा है कि आप आपने संगठन अभी तक लगातार राजस्थान एनएसए संगठन यूनिवर्सिटी को का चेहरा देखिए, नहीं देखा है, उन्होंने क्यों नहीं मारा देखा था। आपने चेहरा अभी तक? आप चुनाव की बात कर रहे हैं, आपने अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी का चेहरा नहीं देखा, कितनी बार आप गए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी? राजस्थान यूनिवर्सिटी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन राजस्थान के वासियों ने उपेन यादव का चेहरा जरूर देखा होगा जेल में जाते हुए, लाठियां खाते हुए। लेकिन तो आप अगर युवाओं की उस तरह जगह पे डरता जाएंगे नहीं तो आपको वहां की स्थिति पता कैसे चलेगी? जी जी, जी मैम, आपको मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। हम जी लोग अब ऐलान किया है, हम छात्रों से मिलेंगे, समस्याओं को जानेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूँ इनके संगठन पे, इसलिए सवाल उठा रहा हूँ। ये कह रहे कि 2 साल तक ये सो रहे थे, ठीक है, सरकार इनकी है, इनका ठीक संगठन है, का कांग्रेस ये सरकार बहस से आगे जुड़ा हुआ जारी है, ये रहेगी, चाहते यहाँ एक कहते हैं कि छोटे से ब्रेक के लिए यूनिवर्सिटी रुकते का हैं, फतवा ही है, तो सरकार को शिकायत करते हैं। ये बड़ी बहस आगे भी जारी रहेगी, यहाँ फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद, बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ अनवर हुसैन, छात्र नेता एबीवीपी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपसे ही सवाल अब लेती हूं मैं, अनवर जी, जिस तरह से अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 26 तारीख को चुनाव होने हैं और 27 तक रिजल्ट आ जाएगा, इस बार एबीवीपी किन मुद्दों को लेकर छात्र संघ चुनाव में मैदान में उतरने वाली है? हमारे जो मुद्दे हैं, सर्वप्रथम जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो अयोग्य वीसी लगा रखा है राज्य सरकार ने, उसकी योग्यता ही नहीं है। एक तो सर्वप्रथम तो पहले उसकी जो है नींव, हमारे जो इसको कह सकते हैं वीसी, उसको हटाने का सबसे बड़ा हमारा ये मांग रहेगी कि एक तो उसको हटाया जाए और जो योग्य व्यक्ति है उसको बैठाया जाए, और उसके अलावा कि जो अभी यूनिवर्सिटी का जो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टलों की हालत इतनी ख़राब है, जर्जरा है, कि हॉस्टलों के जो दीवार तो ऊपर की जो है छत, उसके अंदर से मतलब ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं पानी से सीलन आने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, और हॉस्टलों की जो है अपने कह सकते हैं दीवारें जर्जरा होकर गिर रही है नीचे। अभी बीच में हॉस्टल की जो है गर्ल्स हॉस्टल की जो है माई हॉस्टल के अंदर जो क्या छत गिर गई थी, तो वहाँ गए तो हाल ऐसा ऐसा रहा कि मालिक का तो बड़ा शुक्र रहा कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन हमने वो प्रशासन को अगर इससे अवगत कराया तो प्रशासन कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने फिर जब तथ्यों के आधार पर उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंची। सबसे पहले तो ये, और फिर दूसरी नंबर बात है कि अभी यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी बन गई, लेकिन लाइब्रेरी मतलब 4 साल हो गए बने हुए, काम चल रहा है उसका और इसको खोला नहीं जा रहा, क्योंकि स्टूडेंट इतना परेशान है पढ़ाई के लिए, हमारे क्यों जो नहीं एक खोला कह जा सकते रहा हैं सर? कि शिक्षा का जो मंदिर है वो तो इसके अंदर मॉडर्न लाइब्रेरी लाइब्रेरी है ना, हमारा सबसे बड़ा एक कह करोड़ों की सकते हैं लागत से वो कि लाइब्रेरी बनी है, मॉडर्न लाइब्रेरी है, करोड़ों की लागत से बनी है, 4 साल हो गए क्यों नहीं खोला जा रहा? कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, वो तो अभी 2 साल से है। मैम ऐसा होता है कि राज्य सरकार अपने जो कह लीजिए इनके जो सूबेदार हैं
अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ये चाह रहे हैं कि मेरे को मैं इसका उद्घाटन करूं, मैं फीता काटूं। मैं पूछना चाहता हूं कि अशोक गहलोत अगर इतना स्टूडेंट अनुवर जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मनसा कभी इस तरीके से रही नहीं है जिस तरीके से आप कह रहे हो कि लाइब्रेरी को उद्घाटन वो करे। सुनिए देखिए संगठन ने पहले भी मांग करी है लाइब्रेरी को ओपन कराने के लिए, लोग खोलने का भी हमने ताले करने की कोशिश करी है। ठीक है राजेश जी आप उन्हें बोल लेने दीजिए। मैं आती हूँ, चाह रहा हूँ कि हमारी बात स्टूडेंटों की मैम हमेशा स्टूडेंटों की आवाज अगर बनने की बात कहती है ये एनयूसीआई कांग्रेस, तो मैम एक चीज बताइए कि जब अगर ये बात नहीं है तो फिर छात्र संघ का चुनाव आप इतनी जल्दी कैसे करा सकते हो, क्योंकि ये तो आप इस तरीके से सेशन ही पूरा नहीं हुआ, ये कह रहे हैं सब चुनाव की डेट आ गई माहौल बना रहे। अरे मैं ये कह रहा हूँ एनयूसीआई और कांग्रेस अगर छात्रों के साथ है तो लाइब्रेरी को खोला क्यों नहीं गया, इतने दिन हो गए, मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। और स्मार्ट लाइब्रेरी की बात करते हो तो स्मार्ट लाइब्रेरी के अंदर हमने देखा, हमने फेसबुक पे भी डाला है, हमने प्रदर्शन किया, इसका ताला तोड़ा हमने, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नीचे बनाया है कि अगर जब बरसात होगी तो इतना पानी उसमें बहेगा, इतना भरेगा कि छात्र उसमें बैठ नहीं सकता, पुरानी लाइब्रेरी के अंदर जी। मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ की कैंटीन है नहीं जो खुली है, वो बदहाल है, पानी पीने की व्यवस्था सही ढंग से कोई पानी नहीं पी सकता, अधिकतर कैंटीनें बंद है। इसके अलावा शिक्षकों की कमी है, नियमित कक्षाएं नहीं लगती है और कई कर्मचारी ठेके पे लगा रखे हैं, ठेके पे लगा रखे हैं कई कर्मचारी, नियमित क्लासेस नहीं हो पा रही है। और जो रिसर्च के जो है जो शोध कर यानी टॉप 100 में भी हमारी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ पा रहा है, खेलकूद के संसाधन उपलब्ध नहीं है, बहुत कमियां हैं जिनको पूरी करना आवश्यकता है, जरूरी है यूं के लिए नियमित कक्षाएं भी लगाना जरूरी है, ठेके पे लगे हो वहाँ नियमित भर्ती भी होना जरूरी है। और इसके अलावा जो कैंटीन बंद पड़ी है, जो पानी की समस्या है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि बिशनपुर का पानी हम लेके आएंगे, अभी तक बिशनपुर का पानी नहीं आया, ये भी बड़ी समस्या है बिशनपुर का पानी की भी, तो कई कमियां हैं उनको दूर करना जरूरी है, चुनाव के बड़े मुद्दे होंगे, चाहे पानी हो चाहे खेलकूद के जी। राजस्थान विश्वविद्यालय में बिशनपुर का पूरा प्लांट जारी हो चुका है, उसको पाइपलाइन दब रही है, बिशनपुर का पानी अशोक गहलोत जी ने पहले चालू कर दिया ना। आप राजस्थान विश्वविद्यालय देखिए तो सही, विपिन जी बैठ के कमरों के एसओ में आप चुनाव नहीं लड़ा सकते जी। अरे आप चुनाव ऐसे लाइब्रेरी के अपने खुद के कमरों में बैठ के नहीं हो सकता, आप राजस्थान विश्वविद्यालय का आप देखिए तो सही, छात्रों की आवाज तो उठाइए यार। तीन तीन साल में कुछ नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाओगे, आप लोग सो रहे थे इतने दिन, पानी आपसे आया नहीं, लाइब्रेरी आपसे ओपन हुई नहीं, तीन तो साल में आप लगातार एनएसवाई आप रोडों पे देखिए विपिन जी, आप कौन से मुद्दे पे उठाए हो कोरोना काल में, एनएसवाई संगठन ऐसा है जिन्होंने गरीबों के तक उनके भोजन की व्यवस्था कराई है, राजस्थान विश्वविद्यालय की हर छात्र को उनको जहाँ उनको ऑक्सीजन प्लांट की जहाँ हॉस्पिटल की एनएसवाई संगठन ने किया है विपिन जी। आप ये तो आप कोरोना की बात कर रहे हैं ना, ये तो आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं, आप छात्रों के मेन मुद्दे की बात कहाँ कर रहे हैं, क्लासरूम की व्यवस्था, एग्जाम्स की प्रॉपर व्यवस्था, हर बार एग्जाम्स के डेट दिए जाते हैं, हर बार छात्रों की ये मांग होती है डेट आगे बढ़ाया जाए, डेट आगे बढ़ाया जाए, उनके रिजल्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। हॉस्टल्स की हालत वहां पर इतनी जर्जर है, उन्हीं चीजों की हालत खराब है मैम, एनएसवाई संगठन ने जी जी राजेश के लिए एनएसवाई संगठन ने कुछ विशेष आपको ज्ञापन दिया है, मैं आपको ज्यादा जब कोई रिजल्ट आता है तो तीन तीन दिन तक साइट नहीं खुल पाती है, क्या हालात है, ग्रामीण परिवार से एक सपना देख के राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अभी जो स्थिति है राजस्थान यूनिवर्सिटी की वो बहुत देरेने स्थिति है, कि आज हम बात कर लीजिए अगर मुद्दों की बात करते हैं ना तो राजस्थान विश्वविद्यालय में इतने मुद्दे हैं कि हम डाउन टू अर्थ काम करते हैं, हमें पता है कि विश्वविद्यालय की क्या हालत है, हम बता रहे हैं ना आपको विश्वविद्यालय की हालत है। विश्वविद्यालय में अगर चारों कॉलेजों की बात करते आए और संगठक कॉलेजों के अलावा विश्वविद्यालय के कैंपस की बात करें तो हालात ये है कि विश्वविद्यालय के जो आधे ज्यादा तो डिपार्टमेंट इस वीसी ने बंद कर दिए जब से ये ज्वाइन करके आया है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जो हालात हैं उन्हें सुधारने के लिए अब एबीवीपी क्या करने वाली है, किस तरह से आप इन हालातों को सुधारने वाले हैं? मैम मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ हमारा तो मेरा मोटिव ये रहेगा मैम, हमारा सबसे पहले तो हम सबसे पहले विश्वविद्यालय में हमने ये मांग की थी कि स्मार्ट जो वर्किंग है एडम ब्लॉक के अंदर स्मार्ट वर्किंग ही नहीं हो पा रही मैम, और फिर आप देखिए स्मार्ट वर्किंग आप किस हिसाब से स्मार्ट वर्किंग की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड चेक करें तो प्रोफेसरों ने
किन चीजों में स्मार्ट वर्किंग नहीं हो पा रही है? माइग्रेशन जो है मैम वो भी ऑफलाइन मिल रहा है अभी, हम ये कह स्मार्ट वर्किंग नहीं है मैम। आज भी हमारा जो विश्वविद्यालय 1947 से आज तक 1947 की जो कह सकते हैं प्रथा को निभा रहा है, को मोडर्नाइजेशन इसमें हुआ ही नहीं विश्वविद्यालय में। कहीं ना कहीं सुधार की हम बात करें तो विश्वविद्यालय में कहीं भी सुधार नहीं हुआ 1% भी। रति भर भी जो आता है वो अपने हाथ से लिख के चला जाता है। हम ये कह रहे हैं कि स्मार्ट वर्किंग होनी चाहिए, आदमी लाइन में नहीं खड़ा होना चाहिए, ऑनलाइन रसीदें कटनी चाहिए, ऑनलाइन माइग्रेशन प्राप्त होना चाहिए, ऑनलाइन मार्कशीटें प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन अभी स्थिति ये हो चुकी है कि हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर सर ऑनलाइन तो होती है लेकिन साइट नहीं खुलते, ऑनलाइन तो अभी भी होती है ना, रिजल्ट्स तो अभी भी ऑनलाइन आते हैं, नहीं खुलती है समस्या ये भी आती है, साइट्स नहीं खुलती है। मैम मैं ये कह रहा हूँ रिजल्ट ऑनलाइन आ रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी, मैम यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखो आप क्या हालात है। 00 स्टूडेंटों को दिया जा रहा है जो टॉप कर 12th में टॉप करके आ रहा है, उनको 00 दिया जा रहा है, 02 दिया जा रहा है, 02 दिया जा रहा है, 03 दिया जा रहा है, 04 दिया जा रहा है। ये किस आधार पे विश्वविद्यालय ने मतलब कॉपियां जांच करी है, या मतलब कह लीजिए रात को सोते वक्त मतलब प्रोफेसर ने अपने हिसाब से इसको 2 देने, इसको 3 देने, इसको 4 देने, इस हिसाब से प्रोफेसर ने नंबर दे रहे हैं। और अगर हम बात करें इस विषय की कि रिजल्टों की स्थिति इतनी खराब क्यों, तो प्रोफेसर कहते हैं हमारे जो कह लीजिए एग्जाम कंट्रोलर ये कहते हैं कि गोपनीय शाखा इसमें आपको ज्यादा सूचना मतलब ज्यादा सूचना नहीं दे सकती किसने कॉपी चेक करी और किस आधार पे नंबर दिए। बोले आपको अगर शक है तो RTI लगाओ, कॉपी निकालो आप, बोले उस पे आपको पता चलेगा। ठीक है राजेश चौधरी जी, छात्रों को नंबर नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से उनकी कॉपी चेक की जाती है, जो मार्किंग की जाती है उस पे सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। राजेश जी हाँ मैम, और एक बात ये और एक हमारे जो मुद्दे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, हमारे जो मुद्दे हैं मैडम विद्यार्थी परिषद के जो मुद्दे हैं वो समय ठीक है ठीक है जो पढ़ के आते हैं। अनिल जी अब राजेश जी को बोलने दीजिए, मैं आपसे दोबारा मैं आपसे जवाब दूंगी, राजेश जी को बोलने दीजिए। ठीक है जी मैम, जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय में एक ग्रामीण परिवेश का छात्र एक सपना उजागर करके आता है कि मैं भी एक राजस्थान विश्वविद्यालय के उसका एक सहपाठी बनूं, उसका मैं एक विद्यार्थी बनूं, जब वो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं तो उसमें यह हालत होती है कि उनके लोगों की जो मतलब 92-97 से वो 12th पास करके आते हैं और यहाँ पर जब वो अपनी मेहनत से ग्रेजुएशन करते हैं उनकी 00 कभी किसी सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, उनका रिजल्ट नहीं हो रहा, रिवोल्यूशन में लगा रहे हैं तो उनकी कॉपी जांच नहीं हो पा रही तरीके से। उन सभी मुद्दों को रखते हुए NSUI ने लगातार 1.5 महीने से हमने अपने राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जी को हमने इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा है और अभी कई गर्ल्स महारानी की लड़कियों को हमने लाके जिनकी 00 है उन पे भी हमने राजस्थान विश्वविद्यालय वाइस चांसलर जी के ऊपर बार धरना देकर उनके मुद्दों पर रखा है। ठीक है, उठाओ जिसको काम करने नहीं आता, योग्यता ही नहीं उस आदमी को आपने बैठा रखा, तो ये स्थिति होगी दुर्गति विश्वविद्यालय की, आप देख लीजिए। उपेन यादव जी यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो इस पर अनवर हुसैन भी उठा रहे, राजेश चौधरी भी उठा रहे, एक सेकंड रुक जाइए, क्या कह रहे हो आवाज साफ नहीं आ रही, सर रुक जाइए। उपेन यादव जी, इस बार जिस तरह से अनवर हुसैन और राजेश चौधरी जो मुद्दा उठा रहे हैं कि छात्रों की जो मार्किंग होती है वो गलत तरीके से होती है, खास तौर पर यहाँ पर अगर VC की बात कर ली जाए तो उनका कहना है कि वो अयोग्य है, इसको लेकर अब आप क्या स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं इस बार के चुनाव में? हाँ है योग्य है मैडम, वो देखो इस बार जो चुनाव में हम पहली बार मैदान में युवाओं को उतार रहे हैं और इस बार हम युवाओं से पूछकर जो जो उनकी वाजिब समस्या है वो चाहते हैं बदलाव, उनका हम लोग हम पूरा हमारा घोषणा पत्र बनाएंगे। तो अब तक आप मिले छात्रों से? आप मिले छात्रों से? विद्यार्थी आज घोषणा की है मैदान में उतरने का निर्णय आज, अरे सर तो आज तो डेट की घोषणा हुई है ना, घोषणा तो आज डेट की हुई है, विश्वविद्यालय तक नहीं देखा मैडम, घोषणा तो आज हुई है ना सर डेट की, चुनाव को लेकर तो पता नहीं कब से बातें चल रही है। एक मिनट सर, उपेन यादव जी को बोलने दीजिए, युवाओं के लिए लड़ते हैं जी मैडम, इनका कहना सही है कि हम विश्वविद्यालय में नहीं आते हैं लेकिन हम छोटी घोषणा नहीं करते हैं, हम बेवकूफ नहीं बनाते हैं, हम लगातार आपने पूरे राजस्थान को पता है हम गांव के लिए लड़ रहे हैं, गांव के रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। एक मिनट अनवर जी, एक मिनट उन्हें बोल लेने दीजिए, मैं आपसे जवाब लूंगी। लगातार आप गांव के लिए होगा। ठीक है उपेन यादव जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैम इनकी बात सही है, मैं स्वीकारता हूँ, ये कहते हैं उपेन यादव विश्वविद्यालय नहीं आया, मैं नया हूँ, मैं मानता हूँ
ठीक है क्योंकि हम लोग युवाओं के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पिछले 11 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। जी कई लोगों को नौकरियां मिली, उन्हीं युवाओं के लिए विश्वविद्यालय से निकलते हैं, लेकिन हम उस प्रथम सीढ़ी को मजबूत बनाना चाहते हैं जैसे वो निकल कर आते हैं। ऐसी समस्या नहीं है कि वो रोजगार के लिए भटके, वो लाठियां खाए मुकदमे खाए, वो इसलिए नहीं पढ़ाई करते या घर वाले उनको इसलिए नहीं पढ़ाते कि लाठियां मुकदमे खाए उनको। छात्र सिर्फ रोजगार के लिए लाठियां नहीं खाते सर, छात्र ना एडमिशन के लिए भी लाठियां खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एडमिशन हो चाहे परिणाम हो चाहे वो माइग्रेशन जैसी समस्या हो, सबके लिए युवाओं से जो विद्यार्थियों से पहुंचकर हम लोग उनकी समस्याओं का एक चार्ट बनाएंगे, हम घोषणा जो पत्र तैयार करेंगे उसके लिए लड़ेंगे। हम नए हैं लेकिन संघर्ष हमारा नया नहीं है, हमारा संघर्ष पूरा देश जानता है। हम राजस्थान से लेकर लखनऊ तक जा सकते हैं, पूरी सरकार से टकरा सकते हैं, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के उनके भी लड़ेंगे, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे नियमित क्लास की समस्या हो, चाहे शिक्षकों की समस्या हो, चाहे लाइब्रेरी की समस्या हो, सबके लिए लड़ेंगे हम। ठीक है, और चाहे छात्र राजेश चौधरी जी, अनवर हुसैन जी, मेरा सवाल आप दोनों से है, कोई हरकत करके ठीक है चला जाता है लेकिन वो वीडियो में कैद नहीं होते उनकी तस्वीरें, उनकी सुरक्षा का सवाल हो, उनकी सुरक्षा के लिए भी लड़ेंगे, उनके नियमित क्लासेस के लिए लड़ेंगे, शिक्षकों के लिए लड़ेंगे, और ठेके में लगे कर्मचारियों को हटाकर नियमित भर्ती के लिए भी लड़ेंगे, और लाइब्रेरी के और पानी के लिए भी लड़ेंगे, हर चीज के लिए हम लड़ेंगे क्योंकि हम नए जरूर है लेकिन संघर्ष हमारा पुराना है, हर युवा से पूछकर उनकी समस्या। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम उम्मीद भी यही करते हैं, भले आप अभी नए हो चुनाव में, छात्र संघ के चुनाव में, लेकिन संघर्ष आपका पुराना है, तो आप उन संघर्ष से सबक लेकर आगे छात्रों के लिए काम करेंगे। राजेश चौधरी जी, अनवर हुसैन जी, मेरा सवाल अगला आपसे है, जिस तरह से छात्र संघ चुनाव की बातें होती हैं, सबसे पहला जो मुद्दा उठता है वो हिंसा का उठता है कि छात्र संघ चुनाव में हिंसा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और ये हिंसाकर्ता कौन है? एबीवीपी के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता। आप छात्रों के हित की बात करते हैं लेकिन आप हिंसा भी करते हैं, सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है, यह भी आरोप कई बार एबीवीपी और एनएसयूआई पर लग चुका है। हुड़दंग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है सर, ये सब बेबुनियाद बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता सर, बेबुनियाद बातें नहीं है सर, इसी हुड़दंग की वजह से 2005 में छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया गया था, जिसे दोबारा 2010 में चालू किया गया है। हाईकोर्ट में पीआईएल भी इसको लेकर फाइल हो चुकी है सर। बंद करने से क्या इसका मतलब संविधान निकल सकता है क्या कुछ सर, समाधान तो आप बताएंगे ना कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। आप छात्र हित की बात कर रहे हैं, आप सड़कों पर हुड़दंग कर रहे हैं, जो छात्र हित की बात करता है सर वो सड़कों पर हुड़दंग नहीं करता। मुकदमा लगे उसको रस्टिकट किया जाए, कितनों को बैन किया आपने, कितनों को अभी तक आपने इसको लेकर आपकी कार्यवाही हुई है साथ में या कोई इसके अले? जी जी बोले। ऐसा कोई छात्र नहीं है मैम जो मतलब कह लीजिए कि जो माहौल खराब करने के लिए या छात्र राजनीति में आया है, क्योंकि सब स्टूडेंट जो आए हैं वो सब एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड कोई नहीं है। राजनीति में अगर राजनीति चल रही है तो वो पढ़े लिखे ही छात्र हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये आप जो कह रहे हो कि नॉइज फैलाते हैं छात्र, मैम ये थोड़ा सा एक कह लीजिए कि एक इसको मुद्दे को अलग भटकाया जा रहा है, लेकिन छात्र जो पढ़े लिखे हैं एजुकेटेड है वो कभी भी उड़दंग नहीं मचाएंगे। ये थोड़ा सा एक आपसी समंजस हो सकता है कि एक थोड़ा माहौल खराब हो जाए, लेकिन आप देखिए इतने चुनाव हुए 2010 से और 2019 तक चुनाव हुए सर, तो मैं कह इसलिए रही हूँ ना क्योंकि ये छात्र हित का मुद्दा ना वर्चस्व की लड़ाई बन जाता है, उनकी नहीं होती सर, ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ ना कि ये छात्र हित का मुद्दा ना वर्चस्व की लड़ाई बन जाता है। संगठन अपनी बात को रख रहे हैं जी, वर्चस्व की लड़ाई मैम ये छात्रों के बीच में नहीं होता, जो बड़े राजनीतिज्ञ जो पार्टियां होती है उनकी वर्चस्व की लड़ाई होती है, छात्र नेताओं के बीच में कोई लड़ाई नहीं होती। आपने देखा होगा 2019 का चुनाव जिसमें निर्दलीय चुनाव जीता एक और एक लड़की निर्दलीय चुनाव जीती, फिर तीनों प्रत्याशी गले मिलके कह रहे हैं अपन भाई हैं, चुनाव में हार जीत चलती है। आप देखिए वर्चस्व की लड़ाई कहां हुई मैम, वो सामने गले मिलते हैं सर, उसके बाद फिर जाके ना चार पांच लोगों के ग्रुप में लाठी डंडों से वार भी करते हैं, वो सामने गले मिलते हैं मीडिया के सामने गले मिलते हैं, उसके बाद ना वो फिर वापस आप जाके देखिएगा गली मोहल्लों में एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय सब एक दूसरे
मैम ये सिर्फ एक सिर्फ आप कह लीजिए कि मुद्दा सिर्फ ये है कि छात्र संघ चुनाव अगर करवा रही है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार एक चीज ये तो देखे कि छात्र संघ चुनाव कैसे करवाएगी, अगस्त में कैसे होगा। मैम सेशन ही हमारा चालू नहीं हुआ, हमारे अभी सेकंड सेमेस्टर नहीं हुआ हमारा, खुद हम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इन्हें के अभी चुनाव की बात करें तो फिर लड़ाई झगड़े क्यों नहीं होंगे आप बताओ। जब जब राज्य सरकार ये चाह रही है कि छात्र संघ चुनाव हो, अदर झूल में हो, किसी का एडमिशन हो, किसी का नहीं हो, छात्र संघ चुनाव अपने सरकार अपने जो कह लीजिए अपने जो आंकड़ों को करने के लिए कि हमारी सरकार बन गई छात्रों के अंदर, तो ये अनिश्चय संगठन ने सिस्टम कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार का छात्र संघ चुनाव अगर आप करवा रहे हैं तो छात्र संघ चुनाव के अंदर आप ये देखिए कि छात्र संघ चुनाव किस तरीके से किस पद्धति से इन्होंने गाइडलाइन जारी नहीं करी कि भाई छात्र संघ चुनाव में पार्टिसिपेट कौन छात्र करेगा, आप बताइए ना कौन छात्र पार्टिसिपेट करेगा इसके अंदर। जल्दी हो रहा है धन्यवाद देना चाहूंगा। हिंसा का कोई स्थान चुनाव में नहीं होना चाहिए, और रही बात, मैं तो यही मांग करूंगा कि हिंसा कोई भी संगठन के द्वारा की जाती है तो उनके संबंधित जो संबंधित जो पैनल के जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनका चुनाव। अरे भैया सुनिए उपेंद्र जी, ये कोई संगठनात्मक बात नहीं होती, सिर्फ जो बड़े आका होते हैं ना पार्टियों के, वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए कि मेरे पार्टी का आदमी मेरी पार्टी का आदमी वो करते हैं, छात्र राजनीति में ऐसा नहीं होता उपेंद्र जी। जिसके सबूत पाए जाते हैं उनके द्वारा हिंसा फैलाएगी उनके खिलाफ। देखिए सर, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ कि आप हमारे सीनियर हो, सीनियर के नाते मैं कह रहा हूँ आपको कि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो चुनाव है वो बेरोजगारी मुद्दे का अलग है साहब। छात्र संघ चुनाव में आप आओगे तो विश्वविद्यालय में पता चलेगा जिनका एडमिशन होता है उनको एंट्री होती है छात्र संघ चुनाव में। आप उपेंद्र जी आप बात कर रहे हैं कि छात्र चुनाव में हम पार्टिसिपेट करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे, पूरे साल तो आप दिखेंगे, आज आप चुनाव आ गए तो आप भी बरसाती मेंढक की तरह आप भी आ गए कि चुनाव लड़ने हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। उपेंद्र जी आप बहुत सीनियर हैं हमारे, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे आप बहुत सीनियर हो, आप तो आपसे प्रेरणा लेते हैं। सुन लीजिए, हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं, खत्म भी करना है, एक एक फाइनल कमेंट मैं आप तीनों से लेना चाहूंगी। राजेश चौधरी, आप बड़े भाई हो, कम से कम छोटे भाई का सम्मान रखो आप। जी राजेश चौधरी जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। कोई बौखलाहट नहीं है, आपको पता चल जाएगा। राजेश चौधरी जी, सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है जी? एक फाइनल कमेंट यहां पर आपसे, क्योंकि डिबेट हमें खत्म भी अब करनी है, तो एक फाइनल कमेंट मैं यहां पर आपसे अब लेना चाहूंगी जी। राजेश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए ठीक है। अनवर हुसैन जी, एक फाइनल कमेंट यहां पर आपसे। छात्र संघ चुनाव होने वाला है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और शायद लग रहा है तारीखों से आप खुश नहीं हैं। हाँ। तो क्या राज्य सरकार से आपकी मांग होगी, क्या अगला कदम आपका होने वाला है? मैम कोई भी हमारी मांग ये होगी कि एक तो छात्र संघ चुनाव में जो इन्होंने डेट तो घोषणा कर दी, लेकिन चुनाव किस आधार पर और किस मेरिट पे और किस मतलब पद्धति से चुनाव कराएंगे, और जब जब एडमिशन ही नहीं हो पाए प्रणाली के अकॉर्डिंग, तो विश्वविद्यालय में अयोग्य और योग्य छात्र नेता कैसे रह पाएंगे? हम तो ये सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा राज्य सरकार से कि चुनाव किस पद्धति से गाइडलाइंस को लेकर आपका सवाल विश्वविद्यालय में आप पार्टिसिपेट करवाएंगे, गाइडलाइंस को लेकर आपका सवाल, भागीदारी रहेंगे, पहली बार आप गाइडलाइन को लेकर रहेगा जी? हाँ, गाइडलाइन को लेकर जी, पहली बार आप इस चुनाव में उतर रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दा आपका इस बार रहने वाला है? बेरोजगारी की तो बात आपने कह दी सर, कॉलेज के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें आप किस तरह से दूर करेंगे? चुनाव में हार जीत तो भाग्य का फैसला है, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनका एडमिशन हो, जिनका परिणाम जारी नहीं हो उनका परिणाम जारी हो, शिक्षकों की कमी पूरी हो, नियमित कक्षाएं हो, लाइब्रेरी का जल्द उद्घाटन हो, जिससे उनका पानी आया जाए, कैंटीन की सुविधाएं हो,
बहनों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाया जाए, और इसके अलावा जो और तमाम जो मुद्दे हैं जो युवाओं से जुड़े, जो उनसे पूछेंगे, उनसे मिलेंगे, जो युवा जो चुनाव में चाहते बदलाव, वोट के माध्यम से बदलाव चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि आने वाले समय में उनको वो सुविधा चाहिए, युवाओं से पूछकर हम हमारा खाका तैयार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो वादे जो दावे यहाँ पर आप तीनों हमसे कर रहे हैं, वही दावे वही वादे छात्र संघ चुनाव में भी और उसके बाद भी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। खैर, राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो गया है, लेकिन तारीखों के साथ साथ जिस तरह से नाखुशी यहाँ पर जाहिर की गई है, अनवर हुसैन जो कि छात्र नेता एबीवीपी के थे और तमाम कई अन्य छात्र नेता भी होंगे जिनकी तरफ से अभी ये बातों का ऐलान किया जा रहा है कि सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई हैं और अभी एडमिशन नहीं हुआ है, तो ऐसे में सरकार ने जल्दबाजी कर दी है और गाइडलाइंस का भी ऐलान नहीं किया गया है। तो खैर, उम्मीद हम यहाँ पर करते हैं कि जिस तरह से जो दावे जो वादे हमारे सामने किए गए हों, वही दावे वही वादे छात्र संघ चुनाव में भी नजर आए और उसके बाद भी नजर आए। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।